राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। तो दोस्तों आज मैं फिर से देवमाली आया हूँ और आपने देखा ही होगा कि देवमाली में अभी चर्चाओं पे है। पहले तो यहाँ पे अक्षय कुमार जी की शूटिंग हुई जोली LLB की, जो देवमाली धाम में हुई है। उसके बाद में आपने देखा कि यहाँ हमारे देवमाली धाम को बेस्ट टूरिज्म अवार्ड, जो कि एक शुद्धता और शुद्ध गाँव के रूप में पूरे भारत में मतलब नवाजा गया है शुद्ध गांव के रूप में। टूरिज्म को इसका बहुत ही बड़ा लाभ मिल रहा है, बढ़ावा भी मिल रहा है। उसके अलावा एक चीज़ आपने देखी होगी कि हमारे जो देवमाली में अभी कैंसर के इलाज के बारे में भी चर्चाओं में, अलग अलग मीडियाओं में भी है, अलग अलग न्यूज़पेपर में भी आ रहा है और अलग अलग लोग यहाँ आ रहे हैं इलाज के लिए। तो आज हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि ये कैसे हुआ और क्या देवनारायण जी की कैसे मेहरबानी हुई। और ये मैंने देखा कि मेला जब से स्टार्ट हुआ ना, तब से, और जो मूवी स्टार्ट हुई है, मूवी का जो उद्घाटन हुआ और मूवी जब बनी, उससे यहाँ देवधाम में काफ़ी मतलब चर्चाओं में है और आगे भी हो सकता है चर्चाओं में रहे। तो आज इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम काकू सराधना। तो ये आज हम काकू सराधना जी से बात करेंगे पहले, फिर हमारी दादी जी से बात करेंगे, और आपने लेखराज जी गुजर जो यहाँ के लोकल हैं देवमाली के, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो लेखराज जी, आप, मैंने आपके रील वगैरह देखी थी, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हो। मैंने आपके जो रील थी शुरू स्टार्टिंग वाली, वो रील देखी और आज के पहचानने में नहीं आ रहे हो। तो आप कब से मेहनत कर रहे हो? मेरे को एक साल होने वाला है। एक साल होने वाला है। तो आपके मन में क्या विचार आया, मतलब ये रील बनाने का और अपने समाज को आगे बढ़ाने का, ऐसा क्या प्रेरणा, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? पहले मैं क्या, बाहर से लोग आते हैं ना, वो वीडियो डालते थे। मैंने सोचा मैं तो इसी गांव का हूँ, मैं भी ट्राई करता हूँ। तो ऐसे करते करते वीडियो वायरल होने लगी। तो मैंने सोचा गांव को कोई बाहर ला देखेगा तो अच्छा लगेगा, तो वीडियो वायरल होने लगी। तो देखो दोस्तों, इन्होंने अपने गांव के लिए एक अच्छी सोच रखी और ये सोच जो भी है ये बहुत ही अच्छी रही, यहाँ के लिए भी अच्छी है और समाज के लिए भी अच्छी है। कि समाज का एक बंदा जिसका नाम लेखराज है, लेखराज ही नाम है ना, जिसको कोई जानता नहीं था, आज पूरे भारत में, हो सकता है बाहर देश और विदेश में भी आने वाले समय में जानने लगे। तो आपको कैसा महसूस हुआ, ऐसे मतलब एक खुशी कैसे महसूस हुई? मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ का जो वातावरण, सब कुछ बाहर के लोग देखते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम एक ना एक देवमाली में चलेंगे, एक ना एक दिन मिलने, वहाँ से वातावरण देखेंगे, वहाँ का रहन सहन देखेंगे, वहाँ की दिनचर्या देखेंगे। तो अच्छा लगता है कि बाहर से कोई लोग आता है कि वीडियो देख कर, कि देवमाली भी है ऐसा राजस्थान में। आप सर कहाँ से हो? मैं सर टोंक जिले से हूँ। तो आपके, मैंने आपके भी वीडियो देखे हैं और आप भी, मेरे को तो लग ही नहीं रहा था, मैं तो सोच रहा था कि देवमाली के ही होंगे आप, क्योंकि आपके ज़्यादातर देवमाली के ही वीडियो है। मैं 3 साल से यही काम करता हूँ पास में। अच्छा। तो हर शनिवार में 3 साल से रेगुलर आ रहा हूँ। तो आपने यहाँ 3 साल में क्या क्या देखा, मतलब क्या बदलाव देखा आपने? बदलाव तो यहाँ कुछ होता नहीं है, जो आदमी आता है उसकी किस्मत जरूर बदलती है, बाकी यहाँ का रहन सहन, यहाँ के घर, यहाँ के वेशभूषा, वो सब नेचुरल है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है हजारों सालों से। मतलब यहाँ के कल्चर में आज से 100 साल पुराना इतिहास, आज से 100 साल पुराना इतिहास आप उठा के देखोगे, वो मतलब सभ्यता को देख सकते हो, वो रहन सहन देख सकते हो, वो ही खान पीन आज भी बरकरार है और यही इस गांव की पहचान है और ये आने वाले समय में यही पहचान रखना चाहते हैं। कभी आपके मन में ऐसा यहाँ मतलब गांव वालों के विचार आया कि यार हम थोड़ा कल्चर को चेंज करें, ऐसा कुछ आया? भाई आप भी पढ़े लिखे हो, आपके भी मन में कभी ऐसा विचार आया कि मैं यार थोड़ा सा रहन सहन को चेंज करूँ या पक्के मकान की, कभी कल्पना करी? कभी नहीं, दिमाग में ऐसे विचार कभी ऐसे नहीं, कभी विचार में आए नहीं, नहीं किसी, जैसे किसी रिश्तेदार के जाते होंगे या किसी दोस्त वगैरह के जाते होंगे, तो कभी आपके मन में आया कि यार खास मेरा भी ऐसा मकान होता, कभी सोचा ऐसा? ऐसा तो कभी आया नहीं, दोस्त भी बोलते हैं कि हम तो ऐसे कच्चे मकान में रहना पसंद करेंगे। देखो मैं खुद जयपुर से हूँ और मैं मोटरसाइकिल से यहाँ आया हूँ और मैं चौथी बार आया हूँ इस बार, और जब मैंने इस देवमाली के बारे में जब सुना था, मतलब मैंने आज से 3 साल पहले गूगल पे सर्च किया था, तब मेरे यहाँ सिर्फ एक फ़ोटो थी गूगल पे, सिर्फ ऊपर से टॉप लेवल की फ़ोटो थी, उसको देख के मेरी इच्छा जागृत हुई कि यार मैं देवमाली में आऊँ। और आज बार बार देवनारायण जी मेरे को बार बार बुला रहे हैं, तो ये सब देवनारायण जी की कृपा है। और मैं तो चाहता हूँ कि हर जो व्यक्ति है हमारे समाज का हो या अदर समाज का हो, उसको एक बार देवमाली आके और उसके कल्चर को देखना चाहिए, परखना चाहिए। यहाँ तक कि यहाँ देश और विदेश के लोग भी आने लगे हैं,
जैसा कि कल लेखराज ने मेरे को बताया था। तो लेखराज, मैंने आपके वीडियो में देखे थे, काफ़ी अलग अलग कंट्री से भी आए थे, तो अब तक कितने कंट्री के आ गए? देखो, परसों आए थे, फ्रांस से आए थे जी, बाकी और भी आए थे, अमेरिका के आ रहे हैं, अलग अलग देशों से आ रहे हैं। और मैंने ऐसे सुना कि कोई पाकिस्तान से भी आया था यहाँ, मतलब अपने इसका इलाज करवाने के लिए, 1.5 लाख रुपए बॉर्डर पे दे दो, हाँ कैंसर का इलाज करवाने के लिए। वीडियो देखी मैं, उस टाइम मैं नहीं था यहाँ, मैं आए थे क्या? हाँ, बोल रहे आए थे। तो देखो दोस्तों, हमारे जो विरोधी देश के जो नागरिक है वो भी हमारी कंट्री में आ रहे हैं, क्योंकि देखो बीमारी है ना, जात पात और सरहदें नहीं देखती, क्यों सर? बिल्कुल सही बात। सरहद के अगर हमारे कुछ हारी बीमारी या कुछ लग जाती है तो हम भी सरहदें नहीं देख सकते, हम भी सरहद के उस पार जाके हमारे इलाज को करवाने की कोशिश करते हैं। और ये एक देवनारायण जी की बहुत ही बड़ी कृपा है कि आज हमारे सरहद से पार लोग भी यहाँ इलाज करवाने के लिए आए हैं। अब क्या पता इलाज हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हम ये चाहते हैं इस गांव में आने वाले जो लोग हैं उनसे रिव्यू जरूर लिया जाए। भाई आप उनसे हफ्ते या दो हफ्ते में एक वीडियो जरूर बनवाए कि सर आप आए हो, कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, तो उसकी जो भी है ना अपनी जानकारी वो अपने चैनल पे भी डाला करो। हाँ, एक तो, दो वीडियो मैंने डाला है जो तैयार हुआ ना, उनकी वीडियो डाले हैं, बाकी वो कॉल भी करते हैं वापस घर जाके कि मेरी मम्मी तैयार हुई, मेरे भैया तैयार हुए। अब जो मैं वो प्रयास करूँगा कि जो यहाँ रुक रहे हैं ना, 3 दिन तक जो रुक रहे हैं उनको पूछना है कि आप तैयार हो रहे हो या नहीं, अब वीडियो वो डालूंगा मैं। तो देखो दोस्तों, क्योंकि मीडिया क्या कई सवाल खड़े कर रहा है कि झाड़े से कभी इलाज हो सकता है क्या, जो लाइलाज बीमारी, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं मान रहे। हम तो जो प्रत्यक्ष जो आदमी जवाब देगा, मतलब जो भी रोगी है वो जवाब देगा, तो हम उसी का रिव्यू मानेंगे। हो सकता है डॉक्टर क्या बोले, मरीज क्या बोले, लेकिन जिसके फायदा होगा वो अगर संतुष्ट है तो समझ लो भगवान की संतुष्टि उस पर बरकरार है, बनी हुई है। तो माता जी, आपने ये जो कैंसर का जो इलाज हुआ, जब से इलाज हो रहा है, तो ये पहले से ही चल रहा था या अभी से चल रहा था? ठेठ से चल रहा था, ठेठ से ही चल रहा था। कई कई काटो भाग जाते, जेर रह जाते, कैंसर रह जाते, ये तो जा रहा था। तो आपने थे कद से देखता आ रहे हो थे, मतलब शादी हुई था कि जस से देखता आ रहा हो? मेरा मकलावा ही है ना। हाँ, बाबा लागी जित कई बेगे बाबा झाड़ा देता है। तो आप बाबा जी ने झाड़ा देता हुआ कितना साल होगा, थे तो बड़ा बूढ़ा हो तो थे, ये बताओ कि मेरा को 40 साल है जातन। तो देखो दोस्तों, ये कोई नया वो नहीं है कि नई अभी वायरल हुआ है गाँव, ऐसा कुछ नहीं है। ये झाड़ा 40 साल से लगाया जा रहा है और 40 साल से इलाज भी हो रहा है, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से ये गांव इतना चर्चाओं में हो गया कि जिनके पीड़ा है वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और उनका फ़ायदा भी हो रहा है और उनका इलाज भी हो रहा है, इसलिए ही तो आ रहे हैं। क्योंकि 40 अच्छाई को फैलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन भगवान देवनारायण जी की ऐसी कृपा बनी कि वो जल्दी से फैल गई। क्योंकि आप भी अगर कोई मेहनत करते हो तो धीरे धीरे प्रयास करते हो, जब ही सफल होते हो, अचानक कोई सफल नहीं होता, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते हैं जब जाके मंजिल मिलती है। क्यों जी काकू साहब, सही बिल्कुल सर, सही बात है आपकी। और आप पे क्या मतलब देवनारायण जी की क्या कृपा बनी? मेरे तो दरबार की ऐसी कृपा हुई कि मतलब सुकून है जीवन में। अच्छा, पहले मतलब हर दूसरे दिन ही कोई ये टेंशन, कोई वो टेंशन, परिवार में, पर्सनल लाइफ में, जब से इसके दर पे आने लगा हूँ तो मतलब कोई मतलब कमी नहीं है किसी चीज की। तो आपके इष्ट देव कौन से हैं, मतलब जैसे सबके देवता होते बिल्कुल, हैं जैसे मैं भी शंकर भगवान को मानता हूँ, अपने खाटू श्याम जी को मानता हूँ, लेकिन मैं जब से देवमाली आने लगा हूँ ना, तो मैं भी देवमाली का दीवाना हो गया। देखो जो भी यहाँ आता है ना, अगर एक बार भी आ गया ना तो इसका दीवाना हो जाता है जरूर। और मेरे तो शुरू से ही मेरे इष्ट देव यही है। तो देखो आप इनके इंस्टाग्राम पेज पे भी जाके देखना, मैं भी इनको नहीं जानता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया एक ऐसा है, आज नहीं तो कल पहचान बन जाती है, लोग एक दूसरे को पहचानने लग जाते हैं। और हमारे लेखराज जी इस गांव के सबसे छोटे ब्लॉगर है, या आप कुछ भी मान लो, क्रिएटर मान लो, क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा वीडियो है और सबसे अच्छे ज़्यादा फॉलोवर भी है। अभी आपके कितने फॉलोवर है? 1.5 लाख होने वाले। तो देखो इनके हो सकता है अगले शनिवार तक 2.5 लाख हो जाए, क्योंकि मैं जब देखा था जब 2 लाख थे और आपके शायद 30 प्लस थे। 31 है अभी, क्योंकि मैं भी इनको नहीं जान पाता, लेकिन इन्होंने कुछ जब अक्षय कुमार की शूटिंग हुई थी तब कुछ वीडियो मेरे डाले थे, तो मैं देखा, मैं ध्यान नहीं दिया, जब देखा तो मैं बोला यार बढ़िया पर्सन है और हंसमुख पर्सन है, तो ऐसे
पर्सन से मिलना चाहिए, तो मैंने इनके मैसेज भी किया था, कमेंट भी किया था, क्योंकि देखो वीडियो कोई भी डाले लेकिन अच्छाई को दिखाना और अच्छाई को आगे फॉरवर्ड करना, ये एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। इससे समाज की भी पहचान होती है और लोगों को अलग अलग पहचान मिलती है कि हमारे गांव में, हमारे राजस्थान में एक ऐसा छोटा गांव है जो नक्शे में कभी देवमाली नाम से आप सर्च करना, लेकिन आज आप सर्च करोगे गूगल पे तो देवमाली लिखोगे ना तो ढेरों वीडियो निकल के आएंगे, ढेरों। आज की तारीख में, पहले तो मैं जब सर्च करा था तो एक फ़ोटो निकल के आती थी, लेकिन आज ढेरों वीडियो निकलेंगे, ढेरों फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देवमाली को एक अच्छी पहचान मिली है। और आगे हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे और भी समाज बंधु है, जो हमारे गुर्जर समाज के जो बंधु है और अदर समाज के जो बंधु है, वो देवनारायण जी के लिए कुछ ना कुछ करें और आगे प्रयास यही करें कि यहाँ आने वाली यात्रियों को परेशानी ना हो और उनका रख रखाव अच्छा सा करें। किसी के जैसे मान लो एक यूथ की टीम बनाई जाए, मेरा एक मानना है, मैं लेखराज भाई को कह रहा हूँ, एक यूथ टीम बनाई जाए तो उस पर समय समय पे उनके प्रयासों का करे जाए और अपने उस पर जो अपने देवनारायण जी का एक स्थान है वहाँ पर एक बोर्ड बनाया जाए, उसमें जो सहयोग राशि है बाहर से जो आती है उस सहयोग राशि का पूरा इस्तेमाल करके और इसी जन समस्याओं के लोगों के लिए लगाई जाए। क्यों सर, सही है? बिल्कुल सही बात है। देखो युवा पीढ़ी को जो देख के हो सकता है आने वाली युवा पीढ़ी भी बदले और एक नई दिशा का और नई पहल का निर्माण हो, तो हम यही चाहते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको उन लोगों से भी मुलाकात करवाएंगे जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जिनकी इलाज भी हुआ है, जिन्होंने झाड़े भी लगवाए, तो आज हम उस कैंप में भी जाएंगे और उनसे रूबरू भी कराएंगे। आज हमारे साथ यहाँ काकू भाई साहब रहेंगे और लेखराज रहेंगे जो हमको पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनके सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, मैं लोकल बंदा नहीं हूँ, लेकिन ये लोकल है और यहाँ जो भी समस्या है तो पूरा ही पूरा ये हमारे से 10 मिनट का या 15 मिनट का हमको समय देंगे और पूरा वीडियो आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और उसके बाद हमारे लेखराज भाई को पूरे मतलब यहाँ जो गुर्जर समाज के भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं और हमारे काकू भाई साहब है इनके जो वीडियो देख रहे हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि ये यहाँ के लोकल है। हम तो फिर भी 6 महीने में, साल भर में आते हैं, लेकिन जो भी जानकारी वगैरह लेनी है आप इनसे, इनके पर्सनल आईडी पे जाके कांटेक्ट करना, क्योंकि हम इसका मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ हम आपको इस ब्लॉग में नहीं बताएंगे, आप इनसे पर्सनली साझा करना। और इनकी अकाउंट पे आप जाके देखोगे तो इंस्टाग्राम पे आपके हो सकता है रिप्लाई भी दे दें, क्योंकि यहाँ पे एक तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो कभी कभी ये भी होता है कि आपका जवाब नहीं मिले, लेट मिले, हो सकता है 12 घंटा लग जाए, 6 घंटा लग जाए या 24 घंटा लग जाए, ऐसा ना सोचे, क्योंकि यहाँ नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे एक नेटवर्क टावर कम है, रेंज कम है, क्यों जी? क्योंकि मैंने देखा यहाँ अभी आपसे बात करनी तो मैं यहीं खड़ा था, अगर मैं इधर हूँ जमीन के पट्टा नहीं है, मकानों के पट्टा नहीं है, जो भी भूमि है ना वो सारी देव दरबार के नाम है, तो इसलिए यहाँ पे नेटवर्क नहीं लगा, मकान का पट्टा, जमीन का पट्टा नहीं होने से वो नेटवर्क नहीं लग पाता। जैसा कि इन्होंने लेखराज भाई बता रहे हैं कि ये जमीन जो पूरी जमीन है जो अपने देवनारायण जी के भगवान के नाम है, इसलिए यहाँ पे पट्टा किसी के पास नहीं है, इसलिए अगर कोई टावर लगाने की कोशिश भी करे तो वो एग्रीमेंट होता है उस जमीन खातेदारी के नाम पे कि भाई अनलीगल है या लीगल है, तो उसके पट्टे या उसकी जो कागजी कार्रवाई होती है वो जमीन के पट्टे की वजह से ही होती है, जो कि यहाँ पे नहीं है। और इसी वजह से आज भी इस गांव के 400 जो घर है बिना पट्टे के, बिना ताला कूची लगाए हुए ऐसे ही रहते हैं, यहाँ पे आज तक कोई चोरी नहीं हुई है, कोई डाका नहीं डला है, और कोई 70 साल के जो बुजुर्ग है उनके आज तक कोई कैंसर की बीमारी नहीं हुई। जैसा कि मैंने कल रात को पूरे दिन भर यही चर्चाएँ करी थी, उन लोगों से मैंने संपर्क किया था, तो किसी के भी कोई बीमारी नहीं है। क्या ये सही है? बिल्कुल, कोई बीमारी नहीं। आपके दादाजी है अभी मौजूद है ना? तो कितने साल के हैं? मेरे दादाजी 85 साल के। तो देखो इनके दादाजी 85 साल है, तो अभी क्या करते हैं वो? अभी घर पर रहते हैं। बस घर पर रहते हैं? हाँ, मतलब मंदिर के परिक्रमा करते हैं। अच्छा, परिक्रमा मतलब चल रहे हैं। हाँ, चल रहे, फिर रहे। तो कभी उन्होंने भी झाड़ा वगैरह लगवाया क्या? अपने कभी नहीं।
तो देखो मैंने कल दो चार जो 70 से प्लस ऊपर आदमियों से मुलाकात करी थी, जो कि आप मेरी वीडियो में देखेंगे, तो उनका कहना यही है कि हम यहाँ पे जो रहते हैं ना, क्योंकि एक तो ये गांव बिल्कुल शुद्ध है, यहाँ दारू मांस मछली और जो भी जिसे कहते हैं सेवन, जो जिसे कहते हैं जिसे कैंसर नामक जो बीमारी होती है वो कोई भी सेवन नहीं होता। हाँ यहाँ जो पुराने जो बुज़ुर्ग हैं जो कोई बीड़ी वगैरह जो तंबाकू जो पीते हैं, लेकिन उनके भी कोई बीमारी नहीं है। ये है, अब बाहर के लोग कहते हैं कि हरियाणा से कल आए हुए थे, वो बोला मैं तंबाकू पीता था तो मेरे कैंसर हो गया, लेकिन कल मैंने 80 साल के एक दादाजी से उनसे बातचीत करी तो वो बोले कि मैं 80 साल से ऊपर हूँ लेकिन मेरे कोई बीमारी नहीं है। तो ये भी देखो एक बाबा की मेहरबानी है, हमारे देव नारायण जी की मेहरबानी है। तो आगे चलते हैं और कैंप के बारे में जानकारी लेते हैं, तो वीडियो में बने रहे और देखते रहें।